अच्छा, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओ उसको एक मिनट करना। कुछ स्पेसिफिक अकदाम लेने थे पेडागॉजी के बारे में, तो उसके सिलसिले में मैंने एक ज़रा लॉन्गर टॉक प्रिपेयर किया ताकि उसको मोटिवेट भी कर सकें। तो मेरा अपना तकरीबन सारी ज़िंदगी इन्हीं तालीमी अदारों में खर्च हुई है। 1978 में मैंने ग्रेजुएट किया, उस वक्त तक पढ़ रहा था। उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू किया, तो बाकिया ज़िंदगी भी पढ़ाता ही रहा हूँ। इस देर इशू कोई शोर आ रहा है मेरे ख्याल में, माइक अगर म्यूट कर दें सब लोग। जी, ये फारूक साहब आपका माइक ऑन है, काइंडली अगर ये ऑफ कर दें। जी मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने जो पढ़ाया इसमें मुझे बहुत फायदा हुआ। टीचर जो है वो असल में तो ऐसे अंग्रेजी मुहावरा इन लोको पेरेंटिस होता है, यानी वालदैन की जगह पे होता है। तो अगर अच्छा टीचर है तो उसके स्टूडेंट्स उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको ऑनर करते हैं। अगर आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे मुकाम पे पहुँचे तो इससे आपका भी फायदा होगा, और ये हमारे ऊपर है कि हम उनको कितना अच्छा एजुकेशन देते हैं। स्टूडेंट्स हमें सारी ज़िंदगी याद रखेंगे और हमें हमसे मशवरा करेंगे अपनी ज़िंदगी में। या अपनी बात कर रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स इस वक्त सारी दुनिया में तालीमी इदारों में भी हैं, उससे बाहर भी हैं। से मुझे बहुत फ़ायदा होता है, जहाँ भी जाता हूँ तो वो कहते हैं कि भाई आप ज़रूर हमारे से आए मिलें। इतने ज़्यादा हैं कि सबको मैं वो भी नहीं कर सकता। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे किस तरह की तालीम देते हैं। तो मैंने 1978 से लेकर 1991 तक अमेरिका में पढ़ाया, 15 साल तकरीबन, और उसके बाद 93 तक एक्चुअली, फिर 93 से 99, 6 साल में तुर्की चला गया, क्योंकि वहाँ अमेरिका में मुझे दो प्रॉब्लम्स हो रहे थे। एक तो ये कि मेरे बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे थे, और वो उस वक्त तक तो वो इस्लामी स्कूल में थे, दूसरे तीसरी क्लास में। आगे जाके वो इस्लामी स्कूल उस ज़माने में हायर क्लासेस उसमें नहीं थी, अब तो बहुत अच्छे इदारे बन गए हैं। तो उनको पब्लिक स्कूल के माहौल में डालने से मुझे बहुत वहशत हुई, और इसकी वजह से मैंने फिर सोचा कि किसी इस्लामी मुल्क में जाना चाहिए। तो इत्तफाक से अल्लाह ताला की तरफ से एक तुर्की से मुझे ऑफर आ गया, तो मैं वहाँ चला गया। 6 साल तुर्की के बाद, तुर्की में भी बच्चों की स्कूलिंग अपॉर्चुनिटीज़ का प्रॉब्लम था हायर एजुकेशन के लिए। उस वक्त तक 6 साल तक तो वो वहाँ के पाकिस्तानी स्कूल में पढ़ते रहे, मगर आगे जाके फिर टर्किश सिस्टम में दाखिल होना था, तो फिर मैं पाकिस्तान आ गया। मैंने लम्ज़ में 3 साल तक पढ़ाया, उसके बाद फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी आ गया। मगर एक बहुत बड़ा फ़र्क मुझे ये महसूस हुआ अमरीका में पढ़ाने में, कि अमरीका में मुझे लगता था कि मैं एक तरह से एक गवर्नेंस की तरह से हूँ, जो किसी अमीर आदमी ने हायर किया हुआ है और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये बच्चे मेरे बच्चे नहीं हैं, ये एक एलियन कल्चर के हैं, और इनकी साइकोलॉजी, मोटिवेशन सब कुछ डिफरेंट है। तो पाकिस्तान आया और तुर्की में भी मैंने कहा कि ये मेरे बच्चे हैं और इनकी सक्सेस मेरी सक्सेस है, इनके फेलियर मेरा फेलियर है। तो मैंने जिस तरह से वालदैन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उनकी कामयाबी से खुश होते हैं,
और उनके फेलियर से गम लेते हैं, तो वो मुझे एक सेंस ऑफ ओनरशिप आया। गो के एक बात कह दूं कि लम्स में उतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि लम्स में जो बच्चे हैं वो तो और भी ज्यादा अमेरिकनाइज्ड हैं बनस्बत अमेरिकन बच्चों के। मगर टीचर के तौर पे एक चीज मैंने देखी आफ्टर मूविंग फ्रॉम लम्स टू इस्लामिक यूनिवर्सिटी और पाइड, और जनरली स्पीकिंग मेरा और भी यहाँ के लोकल स्कूल से कायदे आज़म अल्लामा इकबाल वगैरह में मैंने लेक्चर्स वगैरह दिए हैं, तो अंदाज़ा हुआ है कि स्टूडेंट साइकोलॉजी एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू टॉप स्कूल्स लाइक लम्स एंड आईबीए तकरीबन सेम है पाकिस्तानियों में। और वो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफीटेड माइंडसेट से बैठते हैं। इसके बरक्स मैं जहाँ पढ़ा रहा था अमेरिका में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। तो एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक पीज़ा सर्वे है जो कि मैथ और साइंस के स्कोर्स जमा करती है सारे इंटरनेट सारे लीडिंग कंट्रीज से, तो उसमें अमेरिकन स्कोर्स का अमेरिकन स्टूडेंट्स का मैथ पे स्कोर सबसे ख़राब होता है। मगर उसके एंड में एक क्वेश्चन होता है कि तुम लोग का क्या ख्याल है कि तुमने कैसे किया, स्टूडेंट्स की अपनी सेल्फ एफिकेसी सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेजर करते हैं। तो उसमें अमेरिकन हमेशा कहते हैं कि हमने तो बिल्कुल ही जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है, और इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट जापानीज स्टूडेंट्स कहते हैं कि जापानीज का परफॉर्मेंस टॉप पे होता है, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उस जमाने में जब मैंने सर्वे देखी थी। लिस्ट वाला प्रोग्राम रन करते हुए देखना पड़ेगा कि टीटीआई सेट 2 फेल हो गया, तो डेल्टा इंटरनल क्यों नहीं सेट कर। तो जापानीज स्टूडेंट्स जो है वो परफॉर्म तो बहुत अच्छा करते हैं मगर कॉन्फिडेंस उनका जीरो होता है, और वो कहते हैं उनसे पूछते हैं कि ये आपने कैसे परफॉर्म किया, तो वो कहते हैं हमने तो बहुत बुरा किया। तो कॉन्फिडेंस जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं होता है स्किल्स से। तो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का तो कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है मगर परफॉर्मेंस में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, और इन जनरल स्टूडेंट्स में कैपेबिलिटीज हर जगह होती हैं। अब ये हमारी जो मगर कॉन्फिडेंस इंग्लिश लैंग्वेज के मुताबिक होता है, जिसकी अंग्रेजी स्किल्स अच्छी होती हैं तो वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है, और जो स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम होते हैं उनके अंदर बहुत कम कॉन्फिडेंस होता है। हालांकि अक्लमंद और जहानत सबकी बराबर है, ऐसा थोड़ी है कि हमारी जो करोड़ों अवाम है जो अंग्रेजी नहीं जानती है वो सब बेवकूफ़ होते हैं, नॉट एट ऑल। तो इसका इसमें जो है वो यानी ये एक डिफरेंस है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दूसरा डिफरेंस टीचर के रोल में है कि अमेरिकन सोसाइटी जो है वो मार्केट सोसाइटी है, हर चीज़ जो है वो मार्केट में बिकती है, तो टीचर भी एम्प्लॉई होता है यूनिवर्सिटी का, उसका काम होता है कि वो पैसे लेता है और फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। तो इसका जो असर है वो अकबर इलाहाबादी ने बहुत अच्छे से बतलाया था कि थे वो भी दिन की खिदमत उस्ताद के अवज़ दिल चाहता था हदिये दिल पेश कीजिए, बदला जमाना ऐसा कि लड़का पसत सबक कहता है मास्टर से कि बिल पेश कीजिए। तो हमारा जो ट्रेडिशनल एक कॉन्सेप्ट है टीचर की कि टीचर जो है वो मेंटर है, काउंसलर है, लाइफ गाइड है, एडवाइज़र है, वो अब बाकी नहीं रहा, बल्कि टीचर एक टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसका स्टूडेंट से कोई ताल्लुक नहीं है कि क्लासरूम से बाहर। तो अगर हम लोग अपने इस्लामी मॉडल पे जाना चाहते हैं तो हमें इस मॉडल को बदलना, हमने यही सीखा है, हमने अपने टीचर से यही मॉडल देखा है और हम इसी मॉडल को अख्तियार कर रहे हैं क्योंकि हमने कोई और दूसरा मॉडल देखा नहीं, तो हमें एक नया मॉडल अख्तियार करना होगा अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स हमारी इज्जत करें और हमारे और ये नहीं समझे कि वो मैं उनका हम लोग उनके खरीदे हुए मुलाजिम हैं कि उन्होंने पैसे दिए हैं ट्यूशन के और उसके उस पैसे से हमें पे किया जाता है, हमारा काम है उनको एक खिदमत फराहम करना, वो जो है कि वो तालीम की खिदमत है। दिस इज़ अ इंटायरली डिफरेंट माइंड सेट
और वो जो हमारे मुआशरे में जो इल्म और तालीम और मुअल्लिम की हैसियत है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो अगर हम लोग उनके जियोमेट्री टीचर या मैथ टीचर बनेंगे तो फिर हमारा कोई खास सिग्निफिकेंट रोल होना उनकी जिंदगियों में मुश्किल है, वो हमें भूल जाएंगे। मगर अगर हम उनके पेरेंटल कैपेसिटी में काम करें तो फिर वो हमें याद रखेंगे, मगर फिर हमें वो रिलेशनशिप जो मार्केट रिलेशनशिप है उसको बदलना पड़ेगा, और हमें भी अपनी ट्रेडिशनल जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा और उसको पहचानना पड़ेगा, उसको अदा करने पड़ेगा, जिसमें से सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, कैरेक्टर डेवलपमेंट की फिक्र करें कि हमारे स्टूडेंट्स किस किस्म के हैं और उनके अंदर क्या सिफात हैं और इनको कैसे मजबूत किया जा सकता है। तो मैं जब पाकिस्तान पहुंचा, और लम्स में तो नहीं मगर उसके बाद, तो मैंने देखा कि सबसे पहला मसला तो यह है कि स्टूडेंट्स को तैयार करूं कि वो सीखने में इंटरेस्ट लें, क्योंकि स्टूडेंट्स का तो दिमाग माइंडसेट ये बन चुका था कि हम कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। और ये क्यों? इसलिए कि उनको ऐसा मटेरियल दिया गया जो कि असल में सीखा नहीं जा सकता है। अगर हम ये बतलाएं स्टूडेंट्स को कि भाई कंज्यूमर्स जो हैं वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि उनका एक मल्टी वेरिएट यूटिलिटी फंक्शन होता है और उसके वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स लेते हैं और उसको मैक्सिमाइज करते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन सॉल्व करके, और सेकंड ऑर्डर कंडीशन को चेक करते हैं कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। कैलकुलस पे बड़ी मुश्किल से ग्रास्प है, अंग्रेजी भी काफ़ी कमज़ोर है। वो कहेंगे भाई जो इल्म है वो मेरे मेरे जो मेरा जो लेवल है और जो इल्म जिसको कह रहे हैं मेरे टीचर्स, वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है, और वो मैं 10 10 साल भी मेहनत कर लूँ तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकूँगा। तो अब इसको छोड़ो कि मैं इसको सीखने की कोशिश करूँ, मुझे बस एक फिक्र है कि मुझे एग्ज़ाम में किसी तरह से नंबर मिल जाए, पास हो जाऊँ। और अगर हम उनसे ये कहें कि इल्म सीखना जो है वो कीमती है, तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो तो हम लोगों को कई फ्रंट्स पे काम करना होगा अगर हम लोग चाहते हैं। तो सद्दुक साहब अपनी माइक जरा बंद कर लें। चले मैंने बंद कर, तो कई फ्रंट्स पे काम करना होता है। एक तो साइकोलॉजिकल, ये कॉलोनाइजेशन के बुरे असरात हैं, 300 साल तक हमने गुलामी की, तो इसका असर ये हुआ कि हम मेरे अंदर गुलामाना ज़हनियत पैदा हो गई है। तो एक साइकोलॉजिकल, तो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जिसमें उनका कॉन्फिडेंस बनाना हुआ है, और ये कॉलोनाइजेशन के जो बुरे असरात, गुलामाना जहनीत पैदा हुई, उसको रिवर्स करना है। दूसरे, जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी नहीं, आदमी के पास बेशुमार कॉन्फिडेंस हो मगर कोई स्किल ना हो तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनको अबिलिटीज़ भी सिखलानी है, और ये सब काम उस वक्त होगा जब टीचर अपना काम करेगा। और टीचर क्या काम करेगा? टीचर का काम ये नहीं है कि इल्म को ज़बरदस्ती स्टूडेंट के दिमाग में मुंतकिल करे,
या ये कि उसको किताब पढ़ के सुनाए ताकि स्टूडेंट उसको याद कर ले, बल्कि टीचर का काम ये है कि वो स्टूडेंट पर एतमाद रखे कि वो स्टूडेंट बहुत कुछ कर सकता है। जिस तरह से एक बीज के अंदर पोटेंशियल होता है कि दरख्त बनने का, मगर बीज को नहीं पता कि वो क्या बन सकती है। और अगर टीचर भी यही समझेगा कि ये एक मामूली सा पत्थर है, कंकरी है, और ये कुछ नहीं बनेगा, तो स्टूडेंट भी इसी बात में बिलीव करेगा और वो पहले ही से इसका कन्विंस्ड है, क्योंकि उसने जितनी कोशिश की है इल्म हासिल करने की, वो उसमें वो फेल हो गया है, तो वो अपने आप को नाकाम समझता है। तो टीचर को ये स्टूडेंट को समझाना है कि नहीं, तुम बहुत कुछ हो और तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो इसके सिलसिले में मेरे दो तीन लेक्चर्स हैं जो मैंने दिए हैं। एक है वो फरेब खुर्दशाही की थीम पे, कि अल्लामा इकबाल ने उम्मत को एड्रेस किया है कि तुम लोग असल में तो शाहीन हो, बड़ी बड़ी फ्लाइट्स के इम्कान रखते हो, ऊंचे ऊंचे उड़ सकते हो, मगर तुम लोग को कौओं के साथ पाला गया है, तो तुम लोगों की सोच भी नीची हो गई है। एक है रीच बियॉन्ड के, सितारों से आगे जहां और भी हैं। और एक हमारी आइडेंटिटी हम कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, लर्न हु यू आर। तो ये तीन जो है वो पर्सनल, अपने आप अपनी जात में कॉन्फिडेंस पैदा करने का, कि हम और एक और ये है कि कॉलोनाइजेशन का असर होता है कि हमारा हेरिटेज भी बेकार है, हमारा रिलीजन भी बेकार है, हमारा कल्चर भी बहुत खराब है। तो इसमें भी बहुत सारे काम की ज़रूरत है। और इसमें एक लेक्चर है मेरा जो कि सिर्फ ये सैयद अबुल हसन अली नदवी की किताब पे है, और इसके आगे बहुत सारे और भी लेक्चर्स हैं इस लाइन पे। तो ये वो साइकोलॉजिकल रिस्टोरिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, बेसिकली वो जो गुलामाना ज़हनियत पैदा हुई है उसकी तलाफी करने का एक तरीका है। दूसरा मसला यही है जो मैंने पहले कहा कि हमें मार्केट रिलेशनशिप के बजाय के और रिस्ट्रिक्टेड टू क्लास एंड रिस्ट्रिक्टेड टू सब्जेक्ट, कि मैं इकोनॉमेट्रिक्स टीचर हूँ, अब मैं आपको, मेरा काम यह है कि इस किताब में जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ाऊँ, इसके बाहर जो है वो हमारा कोई रिश्ता ताल्लुक नहीं है। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट तालिबे इल्म बने बजाय इसके कि इकोनॉमेट्रिक्स मास्टर करें, तो हम लोगों को उनको इल्म की फजीलत बतलानी होगी। इल्म सीखने से फायदा क्या है, क्योंकि जो इल्म हम उनको सिखला रहे हैं वो है ही नहीं फायदे की चीज। तो अब हम उनको ये सिखलाएंगे कि तालिब इल्म कैसे बनना है, अगर और स्टूडेंट्स की जहनीत है कि हमें मार्क्स लेना है, इल्म हासिल करने का हमें कोई ख्वाहिश नहीं है। हम कोई सबक लेके जाते हैं कि अच्छा मैं तुम्हें ये पढ़ाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले वो पूछते हैं कि क्या इसके मुझे नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर नंबर मिलेंगे तब तो मैं सुनूंगा, अगर नंबर नहीं मिलेंगे तो माइंड टर्न ऑफ करके बैठ जाऊंगा, क्योंकि सीखने का क्या फायदा है ऐसी चीज का जिसमें कोई नंबर ही नहीं है, या जिसकी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जिसकी कोई डिग्री नहीं है। इल्म फी नफ्से ही कीमती है, इसकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये मसलन जो एक बात सामने आई थी कि स्टूडेंट चीटिंग करते हैं, तो असल में वो चीटिंग इसलिए करते हैं कि उनको नंबर चाहिए। अब उनको ये कॉन्सेप्ट देना कि चीटिंग से तो नुकसान होता है क्योंकि तुम वो इल्म नहीं हासिल करते हो जिसकी ज़रूरत है। अब मसलन प्रोग्रामिंग हो ना, तो फिर ये काम निस्बतन आसान है, क्योंकि होता है वहाँ भी नहीं है मगर किया जा सकता है। यानी उनको ये कहना है कि भाई अगर तुम प्रोग्रामिंग सीखोगे तो तुम्हारे पास एक ऐसी स्किल होगी जो मार्केट में वैल्यूबल है, और अगर तुम कॉपी कर लोगे तो तुम वो चीज़ नहीं सीखोगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी काम पे। या कोई डॉक्टर है, हम उससे कहें कि तुम कॉपी कर लो तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी दवा कौन से वक्त देनी है। तो ये सब तो वैल्यूबल स्किल है। इकोनॉमिक्स में ये ज़रा सा ज़्यादा मुश्किल है। स्टूडेंट्स चूँकि कई बार कोशिश कर चुके हैं, इल्म इल्म एक्चुअली खुद ही लज्जत रखता है, उसको सीखने में मज़ा आता है। और अगर स्टूडेंट्स को वाकई हम लोग इल्म दें तो वो लोग इसके शौकीन बन जाएं, मगर स्टूडेंट्स ने कोशिश की है क्योंकि ये फितरी बात है, और इसमें बहुत बार नाकाम हुए हैं और अब ये बैठ गए हैं और ये समझते हैं कि
हमारे अंदर इस्तेदाद नहीं है, और दरअसल ये फॉल्ट उनकी नहीं है बल्कि वो मटेरियल जो उनको दिया गया है और जो टीचर है, दोनों की फॉल्ट है ये कि स्टूडेंट्स सीख नहीं रहे हैं। तो इसका इसकी तलाफी, इसका मदावा ये है कि हम लोग छोटी मोटी टेक्निकल डिटेल्स नहीं सिखलाएं, उनको बड़े बड़े मसाइल में उलझाएं। जैसे मैं खुद जब मॉनिटरी थ्योरी पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ, मैं स्टेट बैंक में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी पे था, हम लोग को डिसीजन लेने पड़ते थे जिसका सारे मुल्क पे असर होता था। तो वो कौन से डिसीजंस हैं, हमारे सामने क्या इन्फॉर्मेशन आता था, मेरा एक लेक्चर है इस मौजू पे वीडियो में कि हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, अब हम लोग इसकी रोशनी में हम लोग को क्या फैसला करना चाहिए। इसी तरह से इस वक्त यानी जो बड़े बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के सामने, टैक्स डेफिसिट का क्या करना है, एक्सचेंज रेट हमारी क्यों कोलैप्स हो रही है, इसको कैसे संभाला जा सकता है, पाकिस्तान की क्या ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स के उसमें तो आती हैं दायरे में, मगर जो हम टेक्स्ट बुक में सिखलाते हैं उसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है। तो फिर हम ये स्टूडेंट से कहते हैं, पहले तुम ये सब पढ़ लो, फिर बाद में हम लोग ये मसलों की तरफ जाएंगे। तो ये उल्टी बात है और गलत बात है, हमें इसका रिवर्स करना चाहिए कि अच्छा मॉनिटरी पॉलिसी डिसीजन है, अच्छा तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए, तो अब तुम्हें अगर ये पता चलाना है कि ये इसमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए ये थ्योरी पढ़नी होगी, तब स्टूडेंट शौक से पढ़ेंगे। अब मसला ये है कि जो इस वक्त हमारा करंट टेक्स्ट बुक मटीरियल है उसको पाकिस्तान के मसाइल से रिलेट करना बहुत मुश्किल है। अगर हमारे हाथ में सिलेबस होता तो हम लोग ये कर देते, मगर अभी जो है वो हमें कन्वेंशनल मैक्रो और माइक्रो पढ़ानी है। तो इसमें जो है वो रेलेवेंस के लिए ये दो एंटी टेक्स्ट बुक्स हैं, माइक्रो और मैक्रो की, इसकी मैं लिंक्स और एक्चुअली सॉफ्ट कॉपीज आप सबको दे सकता हूँ, मेरे पास हैं पड़ी हुई। तो ये एंटी टेक्स्ट बुक्स में सारी थ्योरीज जो हम पढ़ाते हैं माइक्रो और मैक्रो में, उसको रियल वर्ल्ड से रिलेट किया गया है और बतलाया गया गया है ये गलत है, और उसका ऑल्टरनेट डेवलप किया गया है। तो एक तरह से ये अच्छी नहीं है, इन द सेंस के उनको ये सिखलाया जा रहा है कि वो जो थ्योरी तुम पढ़ रहे हो वो गलत है, मगर कम अज कम और उनको इस तरह से पढ़ाना है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उनकी थ्योरीज जो है वो इस्लाम के भी खिलाफ हैं, इसलिए हमें तो उनको इसी तरह से पढ़ाना है कि ये थ्योरीज इस वक्त हमारे पॉलिसी मेकर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी वजह से गलत फैसले कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये समझना ज़रूरी है ताकि हम उनको समझा सकें, भाई देखो तुम्हारे पास ये थ्योरी है और इस थ्योरी ये तुम्हें ये बतलाती है, मगर ये थ्योरी इसलिए गलत है और असल में ये करना चाहिए। तो ये ज़रा ज़्यादा मुश्किल काम है, मगर कम अज़ कम इसको रेलिवेंट बना सकते हैं, और अगर हम अपने स्टूडेंट्स पे भरोसा करें कि वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं तो इंशाल्लाह वो ये करने के लायक हो जाएंगे। तो जो काम करने का है कि हमें प्रोजेक्ट बेस्ड और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करनी है, ये बजाय इसके कि हम तुम्हें सिखलाएं कि अच्छा दो नंबर्स को क्यों मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, या फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, हम इसको किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में लेके आए के, और कोशिश करें कि ये उनकी ज़िंदगी से मुतालिक हो, वो कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो उनको सामने पेश हो। जैसे अगर किसी को फसलें उगानी हैं तो उससे ये पूछ सकते हैं कि अच्छा भाई हमारे सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं कि ये फसल उगाएं कि वो फसल उगाएं, तो अब हम इनमें कैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, उसकी क्या प्रोडक्टिविटी है, उसके क्या कॉस्ट पैरामीटर्स हैं, उसके क्या रेवेन्यू होगा, और कैसे इसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। माइक्रो जो है वो बिहेवियरल के बारे में बतलाता है, मगर वो गलत थ्योरी है बिहेवियर की, इसके बरक्स बिहेवियरल साइकोलॉजी और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में उसके खिलाफ उसको कंपेयर किया जाता है, जो माइक्रो थ्योरी बिहेवियर देती है विद रियल वर्ल्ड बिहेवियर। इसी तरह से जो मैक्रो प्रॉब्लम्स हैं वो जनरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं और उसको भी बिग पिक्चर से रिलेट किया जा सकता है। तो इसी तरह से सारी चीज़ों में, टेक्निकल सब्जेक्ट्स में भी हमें कोशिश करनी चाहिए। अब ये बात ज़रूर है कि ये कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में ये मटेरियल नहीं मिलेगा, और इसको मैंने
यानी खुद भी इस पे 10-15 साल काम किया है, टू फाइंड आउट कि कैसे रिलेट करते हैं जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, यानी जो थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं उसको रियल वर्ल्ड से कैसे रिलेट करते हैं, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो इसका एक तरीका ये है कि स्टूडेंट्स को इंटरैक्ट करना होता है, और उसका एक तरीका ये है कि हम इन्वर्टेड क्लासरूम इस्तेमाल करें, या जिसमें ये होता है कि लेक्चर या रीडिंग असाइनमेंट स्टूडेंट्स को कहें कि अच्छा ये रीडिंग करके आओ और क्लास में बैठ के क्वेश्चंस को डिस्कस करें रीडिंग के बारे में, और उसको हम लोग वो न बजाएं, स्टूडेंट्स जो जिससे डरते हैं और जो हम लोग उनके साथ करते हैं वो उनको ऑन द स्पॉट कर डाल देते हैं कि अच्छा भाई इस सवाल का जवाब दो, अगर वो नहीं जवाब देगा तो वो बेवकूफ़ है, अगर वो अच्छा सही जवाब देगा तो वो अक्लमंद है। नहीं, अगर हम लोग इसको नो स्ट्रेस क्लासरूम बनाए जिसमें सब लोग सीखने के लिए हैं, कोई गलत जवाब देगा तो इसका मतलब ये है कि उसको नहीं, उसने नहीं सीखा है, तो अब हम उसको समझाने की कोशिश करें। हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि यानी एक्चुअली दिस शुड बी अ प्रैक्टिस के एक क्लास में स्टूडेंट जब निकले तो ही शुड नो समथिंग विच ही डिड नॉट नो बिफोर, और नोइंग नॉलेज सिर्फ ये थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है कि उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आ गया, उसको कोई दुनिया का मसला हल करना आना चाहिए, या उसको कोई जिंदगी के बारे में चीज़ मालूम हो जिंदगी के तजुर्बे में। तो इसमें हम लोग स्टूडेंट्स को ये सिखलाएं कि हम तुमसे सवाल पूछते हैं तो इसलिए नहीं कि हम तुम्हें जज करें कि तुम अच्छे हो कि बुरे हो, तुम अक्लमंद हो कि बेवकूफ़ हो, बल्कि इसलिए कि स्टूडेंट को इवेलुएट करें कि वो सीख सका है या नहीं, अगर वो नहीं सीख सका है तो इसका मतलब ये है कि हमें उसे समझाने की ज़रूरत है। और ये काम चूंकि टीचर्स के बस का नहीं होता है कि हर स्टूडेंट को हर चीज़ समझाएं, इसलिए इसकी एक टैक्टिक होती है कि स्टूडेंट्स को ब्रेकअप कर दें ग्रुप्स में, हम लोग ये असेस कर सकते हैं और ये एक अच्छी टेक्निक है कि कौन से स्टूडेंट्स जो पिक कर रहे हैं, शायद 3-4 हों क्लास में, तो अब हम उनके साथ ग्रुप्स लगा दें और कहें कि भाई तुम इन बाकियों को पढ़ा दो, और ये क्वेश्चंस की एक लिस्ट हम लेके आए जो प्रेफरेबली पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करें, सब मिल के साथ करें और एक दूसरे की मदद करें, और फोकस ये हो के एट द एंड ऑफ द क्लास स्टूडेंट शुड मास्टर व्हाट ही इज बीइंग टॉट। या ये ख़त्म होने वाली है मगर मेरा लेक्चर भी ख़त्म होने वाला है, तो एक और दो बातें हैं कि एक प्रोसेस, हम लोग एग्ज़ाम्स बहुत लेते हैं, ये एग्ज़ाम्स जो हैं दी आर नॉट एक्चुअली हेल्पफुल, दे आर हार्मफुल, क्योंकि वो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, और मैंने ये खुद तजुर्बा करके देखा है कि एग्ज़ाम्स से फ़ायदा नहीं होता है, लर्निंग नहीं होती है। एक एग्ज़ाम मैंने दिया, स्टूडेंट्स फेल हो गए, मैंने वही एग्ज़ाम कहा कि अच्छा इसको स्टडी करके आओ, दूसरी बार दिया तो कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो मैंने ये समझा कि सिर्फ क्वेश्चंस पूछने से स्टूडेंट्स को स्किल नहीं पैदा होती है, तो उसके बाद मैंने ये किया कि अच्छा इस एग्ज़ाम को तुम सॉल्व करके लाओ, सॉल्व करके लाओ। उसके बाद फिर मैंने जब स्टूडेंट्स सॉल्व करके लाए, मैंने कहा कि ये टेक होम एग्ज़ाम है, इस पर कोई स्ट्रेस नहीं है, कॉपी नहीं करना, क्योंकि कॉपी से मुझे धोखा हो जाएगा कि तुम्हें वो चीज़ समझ में आती है जो तुम्हें नहीं समझ में आती, जो तुम्हें समझ में आता है वो लिखो, क्योंकि मैं चाहता हूँ असेस करने के लिए कि तुम क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो। तो वो लेके आए और इसमें काफ़ी देर लगी उनको ये समझाने में, दे डिडंट बिलीव मी, मगर इवेंचुअली वो हो गया। तो फिर वो क्वेश्चन हम रोटेट कर देते थे, फिर हम पूछते थे अच्छा ये क्वेश्चन है, कोई स्टूडेंट अपने सामने जो पेपर रखा है उसका जवाब क्या लिखा है वो पढ़ के सुनाए, स्टूडेंट जवाब पढ़ के सुनाता था, फिर हम सब पूछते थे किसी और स्टूडेंट से कि अच्छा भाई ये जवाब है ये सही है कि नहीं है, इस पर डिस्कशन होता था, इवेंचुअली एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती थी कि अच्छा ये सवाल है और ये इसके ये गलत जवाब है। गलत जवाब देखने से भी बहुत फ़ायदा होता है कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है और क्यों ये जवाब गलत है। सिर्फ स्टूडेंट सिर्फ सही जवाब जानना चाहते हैं और वो मेमोराइज करना चाहते हैं, तो ये लर्निंग का तरीका नहीं है। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को ये समझाना है कि नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, फाइंड गिविंग द राइट आंसर ऑन द एग्जाम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, और इवेंचुअली ये भी हो सकता है कि जब वो स्किल अक्वायर कर लें तो हम फिर से उनको एग्ज़ाम दे दें,
बल्कि इवेंचुअली जब मैंने ये प्रैक्टिस किया तो आई फाउंड दैट आई कुड गिव स्कोर्स। तो स्टूडेंट्स से जब हम फ्रेंडली होते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, वो कहते हैं, स्टूडेंट्स फॉरन कहते हैं कि आप हमें फुल मार्क्स दे दें। तो अब उनको समझाना होता है कि हम मार्क्स देने उनको फुल मार्क्स देने से उनकी दुश्मनी होगी, क्योंकि उनको कुछ सीखे बगैर मार्क्स मिल जाएंगे। तो उनकी दोस्ती तो ये है कि वो इल्म हासिल करें और इल्म की बुनियाद पे उनको मार्क्स मिले। तो ये उनको समझाने में काफ़ी देर लगती है, वो समझते हैं कि हम ऐसे ही कह रहे हैं, मगर बहरहाल अगर टीचर सिंसियरली ये बात करे तो वो समझ जाते हैं इवेंचुअली। तो एग्ज़ाम्स इस तरह से क्लासरूम में साथ मिल के करेंगे तो एग्ज़ाम विल नॉट बी अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस, इट विल बी अ सोर्स ऑफ लर्निंग एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड बिल्डिंग स्किल्स। तो आखिरी बात, ये आखिरी स्लाइड है, हमें स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना है, उनको कहना है कि तुम जो चाहो बन सकते हो, तुम्हारे अंदर ये कुव्वत है कि तुम दुनिया के बदल के रख दो। कुरान ने लिखा में लिखा है कि एक जिंदगी जो है वो सारी इंसानों की जिंदगी के बराबर है। ये अल्लाह ताला मुबालगा आरई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने इस्तेदाद रखी है कि वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। हर इंसान की जिंदगी की बहुत ही ज्यादा कीमत रखी है अल्लाह ताला ने। तो ये पोटेंशियल में है, बीज की तरह से, अगर बीज जो है वो अफजाइश पा जाए तो वो बहुत बड़ा दरख्त बन जाती है, मगर अगर उसको सही माहौल ना मिले तो वो बीज ही रखती है, फिर उसकी कोई कीमत नहीं। तो ये इल्म है वो चीज़ जो कि वो पानी है और मट्टी है, जिसके जरिए से बीज जो है वो दरख्त बनती है। तो एक तो ये इंस्पायरेशन, फिर मोटिवेशन है कि अगर इल्म हासिल करेंगे, इसके खातिर मेहनत उठाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो उनको ये समझाना है कि देखो इल्म ही से फर्क पड़ता है, एक आदमी है डॉक्टर है और उसके बाजू में एक दूसरा आदमी है जो कुछ नहीं जानता, ये शक्ल सूरत ताकत एक ही है, मगर डॉक्टर के पास जो इल्म है उसके जरिए से वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है, और दूसरा आदमी जिसके पास इल्म नहीं है वो कुछ बिल्कुल नहीं कर सकता है। इसी तरह से कुरान में हदीस में बहुत सारे फजाइल आए हैं। बाकी जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि अगर स्टूडेंट्स, ये सब साइकोलॉजिकल बात है और एक रियल बात है कि स्टूडेंट को कुछ करना सीख जाए, हम उसको गाड़ी चलाना सिखला दें तो फिर वो गाड़ी ड्राइव करेगा, तो ये उसकी यानी एक इनबिल्ट, एक उसके अंदर एक चीज उसने हासिल कर ली और वो उससे कॉन्फिडेंस आएगा और खुशी आएगी। अगर हमने उसको खूब कॉन्फिडेंस दे दिया, खूब साइकोलॉजी मोटिवेट कर दी, मगर गाड़ी चलाना नहीं सिखलाया, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। वो गाड़ी चलाएगा और कॉन्फिडेंस के साथ उसको क्रैश कर देगा, क्योंकि आता तो है नहीं मगर वो समझ रहा है कि आती है। तो इस तरह से हमें उसके अंदर यानी स्किल्स भी पैदा करनी है, और हर लेसन में कोई ना कोई स्किल पैदा करनी पड़ेगी। तो ये काम, अभी भी 2 मिनट बाकी है तो मैं यहाँ पे, मेरा सेशन ख़त्म हो गया। अब हम लोग डिस्कशन के लिए मेरे ख्याल में फिर से लॉग इन करके ये करते हैं, क्योंकि अभी ये ख़त्म होने वाला है, यानी ये